देश कोरोना की मार झेल रहा है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार देश में जारी है, लेकिन अब भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाई है, क्योंकि कई राज्यों ने वैक्सीन की शॉर्टेज वजह बताई है। देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है इस कोरोना काल में। वहीं कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर कुछ स्वास्थ्य कर्मियों पर जानबूझकर लापरवाही का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें नर्स यानी कि ANM नेहा खान पर आरोप है कि वो टीकाकरण के समय वैक्सीन लगवाने आए व्यक्ति को टीका तो चुभ देती थी, लेकिन वैक्सीन को व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट नहीं करती थी और वैक्सीन से भरे इंजेक्शन को कचरे के डब्बे में फेंक देती थी। इसका एक वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ था और अब भी वायरल हो रहा है। Llegué a la casa, compré con la abuelada, me hizo una inyección, o sea, en el bracito, ¿ya? Paracetamol en el caso de fiebre, malestar y el baño. Gracias, mi. वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ जिला प्रशासन ने जांच की और ANM नेहा खान को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि मामला सामने आने के बाद 24 मई को नेहा खान को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 25 मई को नेहा खान ने अपना बयान दर्ज कराया और उस बयान के आधार पर उन्हें वैक्सीन को बर्बाद करने का दोषी पाया गया। और अब ANM नेहा खान को कोरोना महामारी के दौरान अपना कार्य ईमानदारी से न निभाने की वजह से सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है और उनको दोषी मानते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कराने की स्तुति की गई है। अब आप एक बात समझिए, जहां पूरा देश वैक्सीन पर भरोसा कर रहा है और वैक्सीन लगवाने के लिए दर दर भटक रहा है, कई ऐसे भी हैं जिनको वैक्सीन अब तक उपलब्ध भी नहीं हो पाई है, कई ऐसे भी हैं जो रोजाना वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर काट रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये नर्स वैक्सीन को सिर्फ वेस्ट कर रही हैं। कुछ लोगों ने इसे वैक्सीन जिहाद नाम दिया है।